नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल SH स्टडी पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज मैं UPSC जो 18,000 PSC कैंडिडेट हैं उनकी JTC से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। PSC कैंडिडेट को जो है ये दिवाली का खास तोहफा समझिए इसको, और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आपकी सूचना देने जा रहा हूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाते रहता हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी है लेकिन आपको पूरी सुननी है, तभी आपके सारे डाउट इस रिकॉर्डिंग में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो जय हिंद सर। जय हिंद सर, PSC एटा से बोल रहे हो सर? हाँ बताओ भैया। सर मैं 18,000 PSC कैंडिडेट बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, कुछ जॉइनिंग वॉर्निंग का कुछ बताएं सर। जॉइनिंग तुम्हारी दिसंबर में होगी। कितने दिन से है? 15 में, 15 से 10 और 15 के बीच में हो जाएगी। अच्छा, मतलब JTC उससे पहले हो जाएगी? नहीं, जॉइनिंग ही होगी, डायरेक्ट जॉइनिंग होगी। 15 दिन 15 तारीख को लगभग जॉइनिंग है आपकी, और 5-6 दिन आप पटेरियम रहेंगे, उसके बाद में 21 तारीख को ट्रेनिंग चले जाएंगे। अच्छा, मतलब सर हमारी 8 ही होगी JTC सर? ये कोई हाँ बटेर वो तो JTC 5-6 दिन उसी बटेरियम रहेंगे जहाँ पोस्ट। अच्छा, तो RTC के लिए फिर अलग जाना पड़ेगा सर? RTC कहीं भी यहाँ निकल होगी वहाँ। अच्छा, सर ये एक नोटिस वायरल हो रहा है सर, एक मतलब उसमें ये नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें दिखा रहे हैं कि जो हमारा बैंक खाता है, जो खाता मतलब खुद खुलवाना पड़ेगा हमको यहाँ सर? खुद आपकी जिम्मेदारी खाते की, मतलब SBI में। अच्छा, SBI में खुलवा लें सर? हाँ, पहले तो खुलवा लो, जब मैं भर्ती होने जाओगे तो तुम से नंबर मांगेगा कि खाते का नंबर दो, जिसमें ये वेतन जाएगा तत्काल अपना नंबर दे देना बात। अच्छा, मतलब आप तो सर उसको फेक समझ रहे थे कि सर वैसे ही डाल रखा है सर ये? नहीं, अपना खाता खुलवा करके पासबुक साथ लेके जाओगे वहाँ। अच्छा सर। हाँ वो बिल्कुल सही है, और SBI में वो करवाना खाता, दूसरी बैंक में नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ, और उस पर कर देना कि प्रति पुलिस में मतलब वो हो रहा है भर्ती, तो बैंक मैनेजर पास जाओगे तत्काल, तो वो कहेंगे पुलिस में वो हो गया भर्ती, मेरी जॉइनिंग है, मेरे लिए कॉल आया है कि खाता खुलवाई, मेरा खाता खोल दीजिए, ये खाता होगा सैलरी खाता। अच्छा, सैलरी खाता होगा। हाँ। मतलब उसके एप्लीकेशन देना पड़ेगा उसके लिए? तो बैंक में एप्लीकेशन नहीं है, बैंक में जो फार्म होता है उसी फार्म को, फार्म है जो उनकी जो बैंक की काम है, जो बैंक के अनुसार ही होगा वो अपने अनुसार नहीं। अच्छा सर, बैंक से फार्म लाए फिलहाल वो खुलवा लीजिए खाता, नहीं वहाँ खाता नहीं खुल पाते हैं, वहाँ तत्काल तुम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा, ना खाता खुलेगा, और फिर वेतन टाइम से नहीं आ पाती। हाँ सर, वो JTC बहुत कम समय के लिए, फिर वहाँ पर हम JTC 5 दिन के लिए, 5 दिन की JTC में वहाँ खाता खुलेंगे कि तुम अपना भर्ती फर्जी तैयार करवाओगे। हाँ जी, बात सही है सर। हाँ, और दूसरी बात, ट्रेनिंग कहीं पहुंच जाओगे तो ट्रेनिंग का वहाँ का खाता जहाँ मतलब खोलोगे, तो फिर वहाँ से कैसे होगा खाता तुम्हारा यहाँ का ट्रांसफर, दुनिया का वो हो जाता है लफड़ा, तो यहीं अपना बुक करवा लो गांव में खाता। अच्छा सर, जहाँ जहाँ तुम रहते हो उसी अपनी शाखा में खाता अपना मतलब बनवा लो, वो मैसेज वायरल नहीं हुआ है वो सही हुआ है। अच्छा, मतलब मेरठ का दिखा रहे थे, मेरठ का नोटिस है वो? नहीं, कहीं का हो तुम लोग जाकर में कर लो। अच्छा सर, जो तुम्हारे साथी संगाती उनको सबको वायरल कर लो, बिल्कुल कर लो, वो उन्होंने सही दिखाया है। यहाँ पिछली बार जो आए थे लड़के जी, उनकी ये समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ 2-2 महीना यहाँ में 15 बटेरियन में RTC इंचार्ज था। अच्छा, हाँ, तो कन्नौज से हमारे यहाँ लड़के आए थे 300, कन्नौज से जो खाते लड़कों के खुल गए थे वो ठीक था, 50 लड़कों के खाते यहाँ खोलने के लिए आफत पैदा हो गई, और 3-3 महीना नहीं आया उनका वेतन। अच्छा सर, हाँ जब तुम्हारा वो नहीं खुलेगा खाता कहाँ से आ जाएगा वेतन? सही है, और ये खाता खुलवाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं है ना, मतलब का गवर्नमेंट की है, आपकी है, आपका खाता, आप अपना खाता खुलवाओ। अच्छा सर, हाँ ये यहाँ हमारी का जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, वो तो यहाँ लड़के ट्रेनिंग में आ गए, तो हमने यहाँ हवलदार को उस्तादों को भेज भेज के बैंक मैनेजर से संपर्क कर करके जैसे तैसे खाते मतलब खुलवाए। तो हम तो यही समझे सर, वहीं से खुलवा देंगे आप डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, उनकी
डिपार्टमेंटली कोई का जिम्मेदारी, भाई खाता आपका है उसकी विभाग की क्या जिम्मेदारी है? अच्छा सर, वो तो ये कहेंगे खाता खोल के बैंक का नंबर दो हमें, अकाउंट नंबर। अच्छा अच्छा सर, बस बात खत्म हो गई। एक बार अकाउंट नंबर आपका वो चला जाएगा अकाउंट शाखा में जहाँ वेतन बनता है, उसके बाद उसी में वेतन का जाता रहेगा हमेशा। बिल्कुल सर सही है। हाँ जितने लड़के हैं उनको सबको कर दो वायरस कर दो। ठीक सर सही है सर। हाँ ये और ये आप लोगों को टाइम है अभी बहुत बढ़िया टाइम है, जैसे ही वो खुलती हैं बैंकें तो हर खत्म हो जाता है, वैसे ही नंबर वन पे काम करवाओ ये। ठीक सर, पहले ये काम करवाएंगे फिर दिवाली के बाद। हाँ जिन जिन लड़कों ने खाता अपने किसी कारण से पहले से खोल रखे हैं वो तो ठीक है। ठीक सर, ये जिनके खाता नहीं है वो नंबर वन पर खाता कर लो, नहीं वेतन आएगा नहीं बता दे रहा हूँ, वहाँ हाहाकार होता है, घर वाले पैसा लाओ घर वाले पैसा मंगाओ, खाओगे पाओगे पैसा उन्हें वो लेंगे तुमसे। सही बात है सर। तो सर मतलब ये सेलवानी की पासिंग आउट कब की है सर? ये तो हो जाएगी 15 दिसंबर से पहले ही सब हो जाएगी, 12-13 में हो जाएगी। अच्छा 15 से पहले हो जाएगी मतलब? 12-13 में हो जाएगी, 2-3 दिन ट्रेनिंग सेंटर की देख रेख का सामान सही करवाएंगे। 21 तारीख को तुम लोग पहुंच जाओगे, 20 तारीख से शायद 20 से 21 को 20 तारीख से मतलब जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं जेटीसी नहीं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जेटीसी लिए पहले बुला ले जाएंगे सर फिर? 15 को 5 दिन चलेगी जेटीसी के, ओनली 5 दिन। हाँ 15 तारीख को सब लड़के यहाँ नियुक्ति है, वहाँ कॉल लेटर आएगा तो वहाँ अपना पहुँच जाएंगे सब 15 तारीख को। सर कॉल लेटर कब इश्यू हो रहे हैं सर? बस तैयारी चल रही है सर। अच्छा फाइलें ओके होगी सर? वो सब वहीं पहुँच जाएंगे फाइलें, अभी वो नहीं हुए ना, वेरिफिकेशन कुछ बचे हैं। अच्छा बचे हैं वेरिफिकेशन के लिए? हाँ फंस गए ना, गड़बड़ हो गए तो गड़बड़ वाले तो खैर नहीं आएंगे अभी। अच्छा लड़के जिनके वेरिफिकेशन हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे, क्लियर होगी उनके लिए कॉल लेटर आ जाएंगे सर। हाँ लड़का पहुँच भी जाएगा वहाँ, कॉल लेटर उसको भी आएगा, अभी आएगा नहीं कॉल लेटर। तो नवम्बर में आ जाएंगे सर? नवंबर में आ जाएंगे। अच्छा नवंबर में आ जाएंगे, दिसंबर के 25 तक आएंगे, 15 दिसंबर को हाँ आमद होना है, इसलिए मान लो बात खत्म हो गई। ठीक सर, ठीक सर। सर मैं मथुरा से बोल रहा हूँ सर मैं। चलो ठीक है, जैन सर। यदि दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अगर कोई और न्यूज़ आती है तो मैं अपने चैनल पर एक और वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। अगर आपको ऐसी न्यूज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।